राज्यना विविध जिल्लाओं में एसटी डेपो नु आधुनिकरण करवामां आवी रह्युं छे, परंतु पाटण में छेल्ला 5 वर्षथी एसटी बसो डेपो ना आधुनिकरण नु काम पूर्ण थयुं नहीं। तो 5 वर्ष पहला राज्यना तात्कालिक नायब मुख्य प्रधान नितिन पटेल द्वारा बस स्टेशन ना आधुनिकरण में काम नु खातमुहूर्त करवामां आव्युं हतुं। आ काम एक वर्ष में पूर्ण करवानुं हतुं, जो कि आज 5 वर्ष बाद पण बस स्टेशन नु काम पूर्ण थयुं नथी, जेथी स्थानिक धारासभ्य किरीट पटेल द्वारा बसो डेपो नु काम पूर्ण करवा नहीं करवामां आवे तो उग्र आंदोलन करवानी चीमकी उच्चारवामां आवी छे। पाटण नगरपालिकानी सामान्य सभामां होबाळो थयो। सामान्य सभामां विपक्षना सभ्योए भूगर्भ गटरनी टेन्डर प्रक्रिया तथा शहेरना मार्गो उपर 28 दिवस पहेला करवामां आवेला पेचवर्कनी कामगीरी बाबते शासक पक्ष सामे भ्रष्टाचारना आक्षेपो कर्या। सामान्य सभामां विपक्षना सभ्योए शासक पक्ष ना भ्रष्टाचार नो विरोध रूपया 500 अने 2000 ना दर नी नकली नोट ओढ़ावी कर्यो हतो। त्यारे विपक्षे आक्षेप कर्यो छे के शहर में वरसाद पड़ता नी साथे शहर में खाड़ा पूरवानो कॉन्ट्राक्टर ने आपवामां आवे छे, त्यारे रस्ता बनाव्या छे, त्यारे विपक्ष द्वारा सामान्य सभा में उग्र देखावो करवामां आव्यो छे। राज्य सरकार द्वारा ईएफआईआर योजना ने लॉन्च करवामां आवी छे, त्यारे राज्यना विविध जिल्ला में लोगों ने ईएफआईआर योजना अंगे माहिती पुलिस विभाग द्वारा आपवामां आवी छे। पाटण जिल्ला में पण ईएफआईआर योजना अंगे कार्यक्रम नु आयोजन करवामां आव्युं, जेमां नवी योजना अंगे लोगों ने माहिती आपवामां आवी। कांठा सरहदी विस्तार ना भाबर तालुका में आवेला इंदरवा गामना खेतरो में पाणी भराया तो खेडूतोनी हालाकी में वधारो थयो छे। इंदरवा गामना लोको खेती करीने पोतानुं गुजरान चलावे छे, जो के भारे वरसादना कारणे खेतरमां पाणी भराता पाकने मोटुं नुकसान थयुं छे, जेथी खेडूतोए सर्वे करी सरकार पासे सहायनी मांग करी छे। पाटण जिल्लामां पड़ेला सार्वत्रिक वरसादना कारणे 98,325 हेक्टरमां खेडूतोए वावेतर कर्युं छे। मेघमहेर थता धरतीपुत्रोने फायदो थयो छे। खेती ने फायदारूप गणी शकाय तेवो वरसाद पड़ता खेडूतोए नाखेला बीज निकळ्या छे, त्यारे जिल्लाना तमाम तालुकामां खेडूतोए डांगर बाजरी तुवेर मग मठ अड़द मगफळी तल दीवेल शाकभाजीनुं नोंधपात्र वावेतर कर्युं छे। पाटणना समी तालुकामां सौथी वधु 21,125 हेक्टरमां वावेतर थयुं छे। सरदार सरोवर नर्मदा डेम में पानी की आवक में वधारो थयो छे। नर्मदा डेम की सपाटी 24 कलाक में 27 सेंटीमीटर वधी छे। नर्मदा डेम की जल सपाटी 131.45 मीटर नोंधवामां आवी छे। उपरवास में 90,000 क्यूसेक पानी की आवक थवा पामी छे। आरबीपीएफ ना तमाम टर्बाइन चालू करी देवामां आव्या छे, ज्यारे सीएचपीएच ना तमाम टर्बाइनो बंद थया छे। नर्मदा डेम में 3,520 एमसीएम पानी नो जत्थो। बोटाद में लठा कांड बन्या बाद सूरत जिला पुलिस हरकत में आवी छे। सूरत जिला पुलिस टीमे दारू नु वेचाण करना शख्सों पर बाज नजर राखवा ड्रोन नो उपयोग करी रही छे, त्यारे सूरत ना कामरेज सहित नदी अने खाड़ी ना किनारा विस्तार में सतत ड्रोन थी नजर राखवामां आवी रही छे। तो कामरेज डिविजन ना डीवायएसपी अने पीआई चेकिंग नी कामगीरी में जोड़ाया हता। ड्रोन द्वारा चेकिंग नी कामगीरी हाथ धरवामां आवता 6 जेटली दारू नी भट्टीओ झड़पाई हती। सूरत जिला पुलिस नी कार्यवाही ने लईने दारू नु वेचाण करनारा शख्सों मां फफड़ाट नो माहौल जोवा मळ्यो छे। लड़की ने स्टेट मॉनिटरिंग सेले झड़पी पाड्यो छे, त्यारे पोलीसे तेने सूरत जिला नी मांडवी नी कोर्ट मां रजू करी 10 दिवस ना रिमांड मांग्या हता, जो के कोर्ट 5 दिवस ना रिमांड मंजूर कर्या छे। मोरबीमां आम आदमी पार्टीए जनसंवाद कार्यक्रम योज्यो। आपना नेता कौशाल गान गढ़वी अने इंद्रनील राजगुरु वशराम सागठिया सहित नेताओं हाजर रहा था। तेमणे बोटाद लठ्ठाकांड मामले राज्य सरकार पर प्रहारों कर्या। वडोदरामां वधता रोगचाळाने लईने दवा छंटकावानी कामगीरी शुरू करवामां आवी छे। साथोसाथ लोको आरोग्यलक्षी माहिती અને સફાઈના મુદ્દે લોકોને જાગૃત કરવામાં આવી રહ્યા છે। વડોદરા શહેરમાં પડેલા ખાડાઓમાં ભરાયેલા પાણીથી મચ્છરોનો ઉપદ્રવ વધી રહ્યો છે, ત્યારે વડોદરાના મેયર કેયુ રોકડિયાએ ગઈકાલે આરોગ્યની ટીમ સાથે ખાસ બેઠક યોજી હતી। સુરતના માંગરોળ ખાતે ભાજપ દ્વારા પુતળા દહન કરવામાં આવ્યું, ત્યારે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ વિશે અભદ્ર ટિપ્પણીના વિરોધમાં
सोनिया गांधी और धीरंजर चौधरी पुतळु बाळवामां आव्युं त्यारे पूर्व कैबिनेट मंत्री गणपत वसावा पुतळा दहन कार्यक्रम में हाजर रहा। भाजपा कार्यकरोए मांगरोळ मामलतदार ने आवेदनपत्र पाठवी कार्यवाही की मांग करी। सूरतना उमरपाड़ा खाते भाजप द्वारा पुतळा दहन करवामां आव्या। पूर्व कैबिनेट मंत्री गणपत वसावा पुतळा दहन कार्यक्रम में हाजर रहा। त्यारबाद सोनिया गांधी અને અધીર રંજન ચૌધરીનું પુતળું બાળવામાં આવ્યું હતું। રાષ્ટ્રપતિની ગરિમાને લઈને કોંગ્રેસના અધીર રંજન ચૌધરીના નિવેદન બાદ રાજનીતિમાં માહોલ ગરમાયો છે ત્યારે અધીર રંજન ચૌધરીના નિવેદનના વિરોધમાં અમદાવાદ શહેર ભાજપે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું। બોડકદેવ શાહીબાગ વિસ્તારના કાઉન્સિલર સહિત કાર્યકર્તાઓએ વિરોધ દર્શાવી કોંગ્રેસ અધ્યક્ષના વિરોધમાં નારા લગાવ્યા હતા। राष्ट्रपति की गरिमा ने लईने अधीर रंजन चौधरी निवेदन बाद राजनीति माहौल गरमायो छे त्यारे अधीर रंजन चौधरी निवेदन विरोध में तापी में भाजपा कार्यकरोए पुतळा दहन कार्यक्रम हाथ धर्यो। भाजपा कार्यकरोए आवेदन पत्र आपी पोतानो रोष व्यक्त कर्यो हतो। डांगमां कोंग्रेसना नेता अधीर रंजन चौधरी विरुद्ध नारा लगावामां आव्या हता, साथे पुतळा दहन करी विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं। वगई भाजप संगठन प्रमुख तेमज धारासभ्य विजय पटेल तेमज मोटी संख्या में भाजपा कार्यकरो हाजर रहा हता। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू माटे कोंग्रेसना नेताए अशोभनीय शब्दों प्रयोग करता ठेर ठेर विरोध जोवा मळ्यो हतो। वेरावळना टावर चौक खाते भाजपा कार्यकरोए अधीर रंजन चौधरी निवेदन विरोध में विरोध प्रदर्शन कर्यु। राष्ट्रपति विषय अशोभनीय आक्षेप जोईने करवामां आवेला होवाथी भाजपा कार्यकरोए आक्षेप कर्या हता।